तो नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया बहुत ही प्यारा, बेहद ही खूबसूरत और एफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर 3 BHK फ्लैट। तो जो मेरी प्यारी फैमिली से बिल्कुल लो बजट में नियर द्वारका सेक्टर 3 के पास घर ढूंढ रही हैं और जिनके कंसर्न है कि हमें 3 BHK फ्लैट मिले, फ्रंट साइड का मिले, तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस फ्लैट पे, इस बिल्डिंग पे। क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हमारी एक राजापुरी की लोकेशन पे। जो राजापुरी की लोकेशन है ये द्वारका सेक्टर 3 से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे है और बहुत ही ईजी अप्रोच है इस घर पे आने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको होम टूर कराने वाला हूँ हमारे बेहद ही खूबसूरत 3 BHK फ्लैट का, जिसका बिल्ट अप एरिया मिलता है 85 गज, विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है, फ्री होल्डिंग प्रॉपर्टी है और इस फ्लैट पे ईजिली 80-85% का होम लोन अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों की सैलरी और एज बहुत अच्छी है तो आप इस प्रॉपर्टी को आराम से बुक करा सकते हो। तो दोस्तों ये फ्लैट जो है ये राजापुरी की लोकेशन द्वारका सेक्टर 3 में बता चुका हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ ये राजापुरी की लोकेशन मेट्रो स्टेशन से उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन लगता है, जहाँ से 1.5 किलोमीटर की अप्रोच पे है। लेकिन इस घर के बाहर आपको ई रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सारी कनेक्टिविटी मिलती है। आप यहाँ से ओला उबर तक बुक करा सकते हो। और अगर आप लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे को शिकायत है कि हमारी जो कंपनीज की जो कैब फैसिलिटीज़ है वो घर के बाहर ड्रॉप नहीं करती, तो दोस्तों ये एक लोती ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको कैब फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये 3 BHK फ्लैट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। तो अगर ये फ्लैट आप लोगों के सपनों का घर है तो जल्दी से इसको बुक कराओ, क्योंकि इसमें एक ही यूनिट अवेलेबल है जो कि है 2nd फ्लोर, फ्रंट साइड के 3 BHK फ्लैट है। तो दोस्तों अगर ये फ्लैट बहुत ही अच्छा है और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को बटन ऑन ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन फ्लैट्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो दोस्तों इस फ्लैट का होम टूर शुरू करते हैं। होम टूर जो होने वाला है बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही प्यारा है। और हाँ, होम टूर होने के टाइम पे मैं आपको इस वीडियो के बीच में और वीडियो के आखिरी में प्राइस ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों अब आपका स्वागत है हमारे 3 BHK फ्लैट के अंदर। तो जैसा भी आपने एक सिनेमेटिक टूर करा मेरे इस फ्लैट का, तो अब मैं आपको कराने वाला हूँ कंप्लीट होम टूर। होम टूर शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ इसका फ्लोर प्लान, क्योंकि दोस्तों हमारे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। वो हमारा बैक साइड का हो गया 2 BHK फ्लैट, जिसकी वीडियो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। और ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का 3 BHK फ्लैट, जिसका भी मैं आपको होम टूर करने वाला हूँ। बाकी कंप्लीट आपको स्टेयरकेस मिल रही है जो बहुत ही कंफर्टेबल है। ये लेफ्ट का सेक्शन हो गया। बाकी कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे आपको 4-4 फुट तक की टाइल्स हमने लगा रखी है, जिसे दीवारें आपके मेंटेन रहेंगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा होम टूर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। तो जैसे हम इस फ्लैट की एंट्री लेंगे 3 BHK फ्लैट की, ये होगा नॉर्थ फेसिंग और अगर आप एग्जिट लोगे तो ये होगा साउथ फेसिंग। तो दोस्तों ये हो गया वास्तु कंप्लेंट के अकॉर्डिंग। अब सीधा हम बात करते हैं अंदर की। तो दोस्तों जैसे हम अंदर एंट्री लेते हैं, ये हो गया हमारा 3 BHK फ्लैट जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर है, नियर द्वारका सेक्टर 3 के पास। और इसकी जो लोकेशन है वह है राजापुरी। तो दोस्तों ये राजापुरी की लोकेशन है और द्वारका सेक्टर 3 से जो प्रॉपर्टी से 500 मीटर की दूरी पे है। अब हम बात करते हैं इसके फ्लोर प्लान की। तो दोस्तों एंट्री करते हैं, हमारा हॉल हो गया जो बेहद ही स्पेशियस है। ये साथ में आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये हमारा कॉमन वॉशरूम हो गया, ये होगी हमारी किचन जो एक अच्छे स्पेस में है। और 2 बेडरूम हमारे को फ्रंट में मिल जाते हैं, जिसमें एक को बालकनी का एक्सेस मिल जाता है विद डोर एंड विंडो। और ये हमारा हो गया मास्टर बेडरूम, इसमें आपको विंडो मिल जाती है। तो क्रॉस वेंटिलेशन को लेके आपको भरपूर इसमें वेंटिलेशन का स्कोप है, तो कहीं पे भी आपको हवा पानी को लेके, धूप को लेके दिक्कत नहीं आने वाली है। स्क्वायर पैटर्न का हमारा 3 BHK फ्लैट है, जिसका बिल्ट अप एरिया है 85 गज। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हॉल। हॉल के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ, जो इसकी डायमेंशन मिल रही है 14 फुट की ऐसे लेंथ है, 9 फिट की विड्थ है, विच इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल, जिसमें आप अपना आराम से सोफा प्लेसमेंट कर सकते हो। और बेहद ही स्पेशियस आपको हॉल मिल रहा है।
साथ में आपको हमारे यहाँ से वहाँ पे टीवी पैनल मिल जाता है जिसमें आप अपना अच्छे से अच्छा बड़ा टीवी असेंबल कर सकते हो। और साथ में अगर हम बात करते हैं टीवी पैनल के अंदर भी, अगर आप देखोगे तो सेक्शन हमने डिवाइड कर रखे हैं स्टोरेज के लिए। साथ में एक चैनल ड्रॉअर मिल जाता है जिसमें आप अपना रिमोट रिलेटेड स्टफ जो भी रखना चाहो रख सकते हो। बाकी दोस्तों इस हॉल के अंदर अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट को लेके, तो स्पेस आपके सामने है कंप्लीट, आपको एल टाइप की प्लेसमेंट है सोफे के लिए। बाकी विट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग है, जो हमारी टाइल्स भी इसमें लगी, सो मैनी कंपनी के टाइल्स लगी हैं गाइस। और डबल चार्ज की टाइल है, स्क्रैच लेस है, एंटी स्किड है, तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो जितनी खूबसूरत फ्लोरिंग है दोस्तों, उतनी ही खूबसूरत ऊपर की छत है जो बेहद ही यूनिक पैटर्न के अंदर हमने डिज़ाइन कर रखी है। कंप्लीट इसमें हमने एक्सेलेंट पैटर्न यूज़ कर रखे हैं जिसमें हमने जो लाइट्स हैं वो तीन टोन के अंदर यूज़ करके ब्लू, व्हाइट और वार्म का हमने कॉम्बिनेशन दे रखा है, जिसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस करती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हॉल का पार्ट। अब मैं बात करता हूँ इसके साथ, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि बेहद ही स्पेस के अकॉर्डिंग है। चाहो तो आप इसको गेस्ट रूम कह लो, चाहो तो आप इसको अपना चाइल्ड रूम कह लो। जिसकी रूम की डायमेंशन मिल रही है अप्रोक्स 9 फुट है विड्थ में, और जो ऐसे लेंथ है वो है 11 फुट की। 11 फुट बाय 9 फुट का आपको बेडरूम मिल रहा है। साथ में आपको एक अलमीरा मिल जाती है जो कि वॉल माउंटेड है, और इसके अंदर भी आपको बेहद ही खूबसूरत स्पेस मिल रहा है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली स्टोरेज को लेके। साथ में शेल्फ ड्रॉअर मिल जाता है, नीचे भी सेक्शन है स्टोरेज के लिए, और ऊपर भी आपको कैबिनेट मिल जाती है अपने अलग से कुछ ना कुछ स्टॉक रखने के लिए। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इसमें भी, तो बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे भी आपको कस्टमाइज वॉलपेपर मिल रहा है, बहुत प्यारी ऊपर सिंपल एंड सोबर आपको फॉर्सिलिंग का वर्क मिल रहा है। बाकी इस रूम के अंदर भी आपको गैस शाफ्ट का प्रोविजन है जो कि सबसे ओपन है और क्रॉस कंडीशन में कंफर्टेबल रहेगी। बाकी यहाँ पे भी विंडो एसी का प्रोविजन हमने दे रखा है। तो ये हो गया हमारा कहते हैं फर्स्ट बेडरूम, जिसको आप गेस्ट रूम कह लो, किड रूम कह लो। और जैसे हम बाहर आते हैं वापस हॉल की तरफ गैस, तो ये साथ में आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। इस कॉमन वॉशरूम के अंदर कंप्लीट वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं, वहाँ पे विंडो मिल जाती है, एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन है। बाकी बेसिक जो बाथ फिटिंग है वो सारी की सारी आपको इंस्टॉल मिलेगी हमारे यहाँ से। और दोस्तों ये 3 BHK फ्लैट है, इस फ्लैट के अंदर आपको यही जो मैं अभी होम टूर करा रहा हूँ सेकंड फ्लोर है, और यही फ्लोर अवेलेबल है। और इस फ्लोर के अंदर आपको हमारे एंड से गीज़र हो गया, चिमनी हो गई, पंखे हो गए, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो एक तरीके से लगा के चलो कि न्यू ईयर आपको ये ऑफर है और नया साल है, तो नए साल के अंदर हर फैमिली का एक ही स्कोप है और एक ही चॉइस होती है कि हमारा घर बने। तो नया घर, नया एड्रेस, नया साल। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी कंपनी प्लान मेकर के अंदर। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट सेक्शन। बाकी ड्राइंग रूम के अंदर भी गाइस हमने यहाँ पे स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग कर रखी है, तो ऑलरेडी कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, आपने बस एसी लाना और इंस्टॉल कराना है। और ये होगी हमारी किचन, जो बेहद ही खूबसूरत है, स्पेशियस है, जो हर एक लेडीज़ का कंसर्न होता है कि हमें किचन मिले, स्पेशियस मिले। और किचन के अंदर हमारे पास जो स्पेस है वो प्रॉपर हो, ताकि हमारे जो बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, फ्रिज का सेक्शन भी हो गया, वो भी किचन के अंदर ही है। तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट जगह मिल जाती है फ्रिज के लिए, और ये आपका काउंटर टॉप का काम ऑफ करता है। साथ में आपको कहते हैं सिंक मिल जाती है, ये ऊपर ओपनेबल कैबिनेट्स होगी बर्तनों के रैक के लिए। बाकी कंप्लीट आपको वुडन कैबिनेट मिल रही है, चिमनी ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखी है। किचन के अंदर भी यहाँ विंडो मिल जाती है जो कि शाफ्ट की आपकी कनेक्टिविटी है, जिसमें एग्जॉस्ट आपको पूरा मिल रहा है। बाकी नीचे भी कंप्लीट आपको चैनल बास्केट्स मिल रही हैं प्रोफाइल हैंडल्स के साथ, जिसमें आप अपना क्रॉकरी से रिलेटेड स्टफ जो रखना चाहो रख सकते हो। तो दोस्तों ये होगी हमारी किचन। अब अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक साथ में ये हो गया हमारा सेकंड बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों इस मास्टर बेडरूम का भी जो रूम साइज मिलता है 11x9 का है, 11 फुट की लेंथ है, 9 फुट की विड्थ है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे 3D कस्टमाइज वॉलपेपर लगा रखा है, बहुत ही प्यारी ऊपर छत पे आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है जो कि एक अच्छी यूनिक पैटर्न के अंदर है। बाकी साथ में आपको विंडो मिल जाती है क्रॉस कंडीशन के लिए, विंडो इसी का प्रोविजन के लिए हमने यहाँ पे विंडो छोड़ रखी है। साथ में आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम में भी अच्छी बड़ी विंडो है, नेचुरल लाइट का प्रोविजन पूरा है। बाकी शॉवर सेक्शन हो गया, सीट, वॉश बेसिन, सारी की सारी बेसिक बाथ फिटिंग्स आपको इंस्टॉल मिलेगी। तो दोस्तों यू हो गया हमारा सेकंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम, स्पेस आपके सामने है। बेडिंग के बावजूद भी आपके पास इतना स्पेस है कि आप यहाँ पे अपना कोई स्टडी टेबल हो गया, अलग से अलमीरा या ड्रेसिंग टेबल भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका थर्ड बेडरूम। तो दोस्तों जैसे हम आते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, इस बेडरूम का भी स्पेस बहुत प्यारा है, और इस बेडरूम का जो साइज मिलता है 12 फुट की लेंथ है, 9 फुट की विड्थ है, 12x9 फुट का ये बेडरूम है। और इस बेडरूम के अंदर भी आपको ह्यूज अलमीरा मिल रही है, और अच्छी बड़ी अलमीरा है जिसमें आप अपना जेंट्स और लेडीज़ का सेक्शन हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 85 GHK 3 BHK फ्लैट के अंदर 200 जो आपको अवेलेबिलिटी है हमारी तरफ से, 2 अलमीरा का प्रोविजन है, एक जो मैं आपको किड रूम या गेस्ट रूम में दिखा चुका हूँ, और एक ये रूम है हमारा जो बेहद ही खूबसूरत है। इसकी भी अगर मैं अलमीरा की बात करता हूँ, स्लाइडिंग डोर के साथ है, जिसमें आपको कहते हैं सेक्शन हमने डिवाइड कर रखा है, एक सेक्शन ये हो गया पूरा का पूरा। और अगर मैं बात करता हूँ इधर की तरफ, तो एक सेक्शन ये हो गया हमारा कंप्लीट हैंगर और चैनल ड्रॉअर और नीचे सेक्शंस के साथ।
बाकी दोस्तों ऊपर भी कंप्लीट कैबिनेट मिल रही है सामान रखने के लिए। तो दोस्तों ये 3 BHK फ्लैट, अब अगर मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की, तो जो मेरी प्यारी फैमिली से बिल्कुल अंडर 35 बजट के अंदर, यानी जिनका जो बजट है 33-34 लाख के आसपास में, अगर आप सर्च करें तो दोस्तों ये आप लोगों के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसका जो हमारा आस्किंग प्राइस है 34.5 लाख रुपये है। 34.5 लाख में 3 BHK फ्लैट ही अवेलेबल है, जो बेहद ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर है। और दोस्तों अगर ये फ्लैट आपके सपना घर है तो जल्दी से इसको बुक कराओ, और हाँ इस फ्लैट की वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट सेक्शन, इसमें भी 3D कस्टमाइज वॉलपेपर मिल जाता है, बेहद ही खूबसूरत, ऊपर भी आपको छत पे पॉलिशिंग का काम मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट हमने वार्म एंड वाइट लाइट का हमने कॉम्बिनेशन दे रखा है। बाकी दोस्तों जब हम बात करते हैं बेडिंग की, जब आप अपनी बेड ऐसे लगाओगे तो यहाँ पे भी आपके पास भरपूर स्पेस है कुछ ना कुछ स्टडी टेबल या अदर रिलेटेड स्टफ रखने के लिए। बाकी सामने आपको वॉल मिल जाती है टीवी लगाने के लिए, कंप्लीट आपको वॉल मिल गई, साथ में आपको पावर के सेक्शंस मिल गए अपने टीवी असेंबल करने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बालकनी की, तो ये होगी हमारी बालकनी जो कि एक अच्छे स्पेस में है, और बालकनी भी अच्छी बड़ी मिल रही है आपको, भरपूर स्पेस है। ये हमारा वॉशिंग मशीन का एरिया हो गया, जिसमें आप अपना वॉशिंग मशीन आराम से लगा सकते हो। वॉल टू वॉल प्रॉपर टाइल्स मिल रही हैं, जिससे दीवारें आपकी मेंटेन रहेंगी। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हमने लगा रखी है ऑलरेडी, वहाँ पे भी आपको सेक्शन मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये ऑलरेडी हमने नेट लगा रखी है, जिससे कबूतर जो यूजली जो कबूतरों का गंद होता है वो चीज़ आपको यहाँ बियर नहीं करने को मिलेगी। ये ऑलरेडी हमारी तरफ से आपको नेटिंग मिल रही है, जिससे आपको एक सिक्योरिटी के तौर पर भी हेल्पफुल है। प्लस जो हमारे कबूतर हो गए, जो पक्षी हो गए, जो आके बैठ के जो यूजली जो उनका गंद होता है, वो चीज़ आपको यहाँ बियर नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट साइड का 3 BHK फ्लैट, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर है। तो दोस्तों अगर ये 3 BHK फ्लैट 85 गज का आपके सपनों का घर है और आपके अकॉर्डिंग है और आपके मन मुताबिक लोकेशन पे है ना, तो जल्दी से इसको बुक कराओ, क्योंकि इसमें एक ही यूनिट हमारी अवेलेबल है और इस फ्लैट पे हमारा LIC से भी लोन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये विद लिफ्ट विद का पार्किंग 3 BHK फ्लैट, जिसका प्राइस जो है 34.5 लाख रुपये है, बाकी प्राइस जो है नेगोशिएबल है। तो जल्दी से इसको बुक कराओ।